राजनीतिक हलचल सिर्फ खबरें पहुंचाना ही नहीं, जनसेवा है हमारा लक्ष्य। राजनीतिक हलचल की टीम और नया खेड़ा के ग्रामवासियों द्वारा लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए लगातार राहगीरों के लिए राजस्थानी ढाबे पर भोजन की व्यवस्था की जा रही है। हमारे संवाददाता ने भोजन व्यवस्था में सेवा दे रहे ग्रामवासियों से बात की और जाना कैसे कर रहे हैं इस आपातकाल की स्थिति में भी सेवा कार्य। राजनीतिक हलचल के लिए अनिल धनगर की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं आज कर्फ्यू का 8वां दिन है और लगातार लोग रास्ते चल रहे हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं, उनके खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। तो गांव नयाखेड़ा में राजनीतिक हलचल चैनल द्वारा एक गांव के पूरे सहयोग से पूरे गांव वालों ने मिलकर यहां के जनता को लगातार खाना खिलाने का प्रयास करा जा रहा है। लगभग 300 से 400 जनों को रोज़ खाना खिलाने का काम नयाखेड़ा में करा जा रहा है। हम बात करते हैं यहाँ की समिति जो खड़ी है उनके से खाना खिला रही है कि किस प्रकार से आप सहयोग कर रहे हैं गाँव में? गाँव से सब मिलकर, गाँव वाले मिलकर थोड़ा अनाज वनाज इकट्ठा करते हैं और टंकी वंकी गैस के सब कैसे इकट्ठा करते हैं, हम सहयोग कर रहे हैं। ये जो यात्री आ रहे हैं, जो ये कोरोना महामारी बीमारी है, वहाँ से जो बाहर दूसरे राज्य से जो लोग आ रहे हैं उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, खाना बनाकर और कभी पोहे कभी खाना वितरण कर रहे हैं। ये लगातार जब तक ये चलेगी बीमारी महामारी तब तक जारी रहेगा। आज क्या खिलाया था? आज रोटी और सब्जी। सब्जी खाई की थी? सब्जी सेव की सब्जी थी और रोटी। कल क्या रहेगा? कल पोहे के रहे। क्या नाम है आपका? अनिल धनगर नायकड़ा। आपने देखा जैसे कि गांव के सभी लोग यहाँ है, पूरी तरह से भाग ले रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ अनिल धनगर।